إن الحمد لله إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन किराम के रब ज़ुल्जलाल ने यहाँ तक फरमाया, कोई चीज़ अल्लाह सुबहानहु व ताला से मख्फी नहीं है, लेकिन यहाँ इनके बारे में तो ख़ास तौर पर ये रब ज़ुल्जलाल ने बात फरमाई कि इनके दिलों को पूरी तरह जान के मैं कह रहा हूँ कि ये पक्के मोमिन हैं, पक्के उलाएका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान कानू अहक्क बिहा, ये ईमान के ज्यादा हकदार थे और इनके दिलों में मैंने ईमान को लिख दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उनके ईमान की इस गवाही के साथ साथ मैं तो आपसे ये भी जिक्र कर चुका हूं कि अल्लाह सुबहानहु व ताला ने उनके इन्हीं खूबियों की वजह से उनके ईमान को और उनके अमलो किरदार को, उनके गोया अकीदे और अमल को हमारे लिए एक मेयार करार दिया है कि उसी तरह का अकीदा अपनाओ जिस तरह का अकीदा सहाबा कराम का था। कि सहाबा कराम वो खुश नसीब हैं कि जिनके ईमान और अमल की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। मोमिन हैं, मुसलमान हैं, नमाजें पढ़ने वाले, सदका खैरात करने वाले, जिक्र व अस्कार करने वाले, कुरान मजीद की तिलावत करने वाले, हज उमरा करने वाले, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले, सारे नेकी के काम करने वाले इस दुनिया में एक से एक बढ़कर हैं, गुजरे हैं, अब भी हैं, आइंदा भी होंगे इंशाअल्लाह अल अजीज। लेकिन जितने ईमान की पुख्तगी, जितने आमाल की पुख्तगी हज़रात सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की थी, उसका तकाबुल बाद में किसी उम्मती के ईमान और अमल से नहीं किया जा सकता। जो दर्जा उनके अमल का है, उनके इखलास की वजह से, उनकी लिल्लाहियत की वजह से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की वजह से, जिनके इखलास की गवाहियाँ अल्लाह ने दे दी हैं, अब बाद के लोगों के पास इस किस्म की गवाही का कोई सबूत ही नहीं है। अल्लाह ने उनके ईमान की गवाही भी दे दी, अल्लाह ने उनके आमाल की इखलास की गवाही भी दे दी और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने भी उनके आमाल के इखलास की गवाही दे दी। अब यह गवाही उनके बाद किसी के पास नहीं है। यह सिर्फ गवाही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के नसीबे में आई है। इसीलिए मैंने कहा कि किसी का अमलो किरदार और किसी का ईमान उनके बराबर नहीं हो सकता। इमाम हजरत अबू बकर बिन अय्याश का ये कौल मारूफ है, शेखुल इस्लाम इबन तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है मिनहाज सुन्ना में। फरमाते हैं, मा सबककुम अबू बकर बे कसरत सलातिन वला सियामिन वलाकिन बिशैन वक्र फी कल्बिही, कि अबू बकर में जो फौकियत है, पूरी उम्मत में जो अबू बकर का मुकाम और मर्तबा है, जो अबू बकर का दर्जा और मुकाम और मर्तबा है, फरमाते हैं वो सौम और सलात की वजह से नहीं, बाद में आने वाला मुमकिन है उसने नमाजें ज्यादा पढ़ी हों, नफल ज्यादा पढ़े हों, ज्यादा नफली रोजे रखे हों, तादाद के एतबार से वो कहीं उसके अमल ज्यादा हों, लेकिन अबू बकर के अमल और अबू बकर के ईमान उसके मुकाबले में इसके अमर की कोई हैसियत नहीं। फरमाते हैं, ये अबू बकर की हैसियत ये बड़ी हुई क्यों है? अमल की वजह से सिर्फ नहीं, वलाकिन बिशैन वक्र फी कल्बिही, बल्कि ये वो एक चीज थी जो उनके दिल में जागुजी थी। उनके दिल में जो जागुजी चीज थी वो क्या था? वो ईमान था। ईमान की जितनी पुख्तगी, ईमान का जितना इस्तेहकाम और ईमान का जितना इखलास अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों के साथ था, वो किसी और के नसीबे में नहीं है। यानी ईमान की बदौलत अमल तो किसी के गिनती के एतबार से बढ़ सकते हैं,
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ बात क्या है, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला देखते हैं कि तुम में अच्छा अमल करने वाला कौन है, और ये अच्छा अमल करने वाले जिस अमल को अल्लाह ने पसंद कर रखा है वो सहाबाए किराम थे, और सहाबाए किराम में भी सबसे अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। लेकिन आमाल की वजह से ही नहीं, बल्कि असल चीज़ वो ईमान है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये मुकाम और ये मर्तबा अता फरमाया है। आप देखिए हदीस में आता है, नबी अकरीम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रावी हैं, आपने फरमाया इन्नल्लाह इत्तला अला अहले बदर फकाल एमलू मा शेतुम फकद गफरतु लकुम, और एक हदीस के लफ्ज हैं फकद वजबत लकुमुल जन्ना। अल्लाह अकबर, अहले बदर जो बदर में शरीक हुए थे 313, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अहले बदर को देखा है, अहले बदर को देख के अल्लाह इतने खुश हुए हैं कि अल्लाह ने फरमा दिया एमलु मा शेतुम, आज के बाद जो चाहो तुम अमल करो, फकद गफरतु लकुम, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अगर तुमसे कोई गलती होगी भी, कोई कुताही होगी भी, तो मैंने पेश बंदी के तौर पर यह अमल तुम्हारा मुझे ऐसा कबूल हुआ है, ग़ज़वा बदर में शरीक हो जाने का ये इतना मुझे भाया है, पसंद आया है कि मैं ऐलान करता हूं कि मैंने तुम्हें बख्श दिया। और एक लफ्ज है फकद वाजबत लकुमुल जन्ना, तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है। अहले बदर के बारे में फरमाया कि तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो चुकी। एक दफ़ा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, ये रिवायत भी सही बुखारी में, नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्राइल फरिश्तों में तुम्हारे यहाँ जो अफजल फरिश्ते शुमार होते हैं वो कौन है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फरिश्तों में जो अफजल फरिश्ते हैं वो कौन शुमार होते हैं। जिब्राइल अमीन ने मालूम है क्या जवाब दिया, जिब्राइल ने जवाब दिया कि जनाब फरिश्तों में सबसे अफजल वो हैं जो आपके तआवुन के लिए बदर में शरीक हुए थे, जो आपके तआवुन के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बदर में भेजा था, हम फरिश्तों में भी वो सबसे अफजल हैं। और मुझे बतलाओ मेरे भाइयों और सोचो कि फरिश्तों में भी वजह तरजीह और वजह अफजलियत वो क्या है, उनका बदर में शरीक होना। हालांकि फरिश्ते मासूम हैं, उनसे कोई गलती नहीं होती, वो हर वक्त अल्लाह के इताअत गुजार बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें भी एक कैटेगरी, उनमें भी एक दर्जा बंदी है। और अब फरिश्तों में जब ये कैफियत है तो क्यों ना बदर वाले और बदर में शरीक होने वालों के बारे में अल्लाह सुबहानहू व तआला की ये रजा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये बर्तरी और ये फजीलत उन्हें हासिल क्यों ना हो। जब फरिश्तों को ये हासिल है यही इसी बुनियाद पर, तो इसी बुनियाद पर अहले बदर को क्यों ये फजीलत हासिल नहीं है। यही नहीं, आप देखिए इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत के अल्फाज ये भी हैं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो से मुस्नद इमाम अहमद में हजरत जाबिर फरमाते हैं قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار رجل شهد بدرا, कि जो आदमी बदर में शरीक हुआ है वो बिल्कुल जहन्नम में नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर, जहन्नम में नहीं वो कहां जाएगा, जन्नत में जाएगा। और अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम पर मैं राजी हो चुका, मैं राजी हो चुका, तुम जो चाहो अमल करो। बतलाओ अब इनके मुकाबले में किसी और का अमल पेश किया जा सकता है, किसी और के अमल का तसव्वुर किया जा सकता है, जिनके इस एक अमल पर अल्लाह इतना राजी हुआ है कि अल्लाह ने फरमा दिया ए मलू माशे तुम, आज के बाद जो चाहो तुम अमल करो, मैंने पेश बंदी पहले ही तुम्हें बख्शिश और मगफरत का मैंने तुम्हारे हाथों में परवाना थमा दिया है। अब उनके मुकाबले में किसी बड़े से बड़े मुत्तकी और किसी बड़े से बड़े मुज्तहिद और किसी बड़े से बड़े कह लीजिए परहेजगार, उसका अमल का क्या तकाबुल किया जा सकता है। यहाँ एक वक्फा छोटा सा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर दोबारा यहीं से बात आगे चलाएंगे।
और इसका इत्माम करेंगे। अल्लाह सुबहानहु व तआला हमारे दिलों में सहाबाए कराम की मोहब्बत जागुज़ी फरमाए। अदर में शरीक होने की वजह से जब पेशगी अल्लाह ने माफ कर दिया है तो हम भी इसको माफ करते हैं। यह है बदरी सहाबा का मुकाम। इसीलिए तमाम सहाबा ये बात फरमाते हैं और तमाम आइम्मा किराम अकायद की किताबों में यह बात है कि सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अमल के मुकाबले में किसी का कोई अमल नहीं है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने एक बात बड़ी अजीब फरमाई। फरमाते हैं ला तसुब्बु अस्हाबी, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हजरत अबू सईद रावी हैं, ला तसुब्बु अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफक मिस्ला उहदिन ज़हबन मा बलगा मुद्द अहदिन वला नसीफहु। हजरत अबू सईद फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो, अगर तुम में से कोई एक सोना उहद पहाड़ के बराबर खर्च कर दे, सोना खर्च करे, सोना कितना, उहद पहाड़ के बराबर, मा बालगा मुद्दा अहदहिम वला नसीफहु, मेरे सहाबा जिन्होंने एक मुद जौ के दाने के गल्ले के या आटे के खर्च किए हों, एक मुद खर्च किया हो, और नसीफहु या उसके से भी निसफ। ये मुद कितना होता है, उलमा ने जिक्र किया 425 ग्राम का एक मुद होता है और निसफ मुद 212 ग्राम का निसफ मुद, गोया के एक पाव भी नहीं हुआ ना निसफ, तो आधे पाव से थोड़ा सा ज्यादा। इतना दाना इतना आटा सहाबा का खर्च किया हुआ और तुम्हारा ओद पहाड़ के बराबर सोना खर्च किया हुआ, उनके एक मुद या आधे मुद के खर्च के बराबर भी नहीं हो सकता। अब आप बतलाएं बात के किसी आदमी का कोई अमल उनके अमल के मुकाबले में आ सकता है। ओद पहाड़ जो 6 मील की मुसाफत पे लंबा है, बड़ा पहाड़ जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओहद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, इस ओहद से हम मोहब्बत करते हैं और ये ओहद हमसे मोहब्बत करता है, उस ओहद पहाड़ के बराबर भी कोई सोना खर्च कर दे तो सहाबा किराम के निसफ मुद के बराबर भी खर्च किया हुआ अल्लाह अकबर बराबर नहीं हो सकता। बल्कि हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बुरकानी रहमतुल्लाह अलैह के अल मुस्तखरज से ये रिवायत फतुल बारी में जिक्र की है कि उसमें अल्फाज ये हैं कि लौ अनफका मिसला उहदिन ज़हबन कुल्ला यौमिन, अल्लाह अकबर कबीरा, रोजाना रोजाना उहद पहाड़ के बराबर कोई सोना खर्च कर दे तो तब भी उनके निसफ मुद या एक मुद के बराबर खर्च किया हुआ आटा दाना गंदम उसके बराबर तुम्हारा उहद पहाड़ का रोजाना अल्लाह की राह में खर्च कर देना, ये उसकी कोई हैसियत नहीं, उस दर्जे और उस मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। इसलिए मेरे भाइयों, जब अल्लाह के रसूल ने यह बात इरशाद फरमा दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले बदर के बारे में और अहले हुदैबिया के बारे में और नबी अलैहिस्सलाम ने अलल उमूम सहाबाए किराम के बारे में ये बात इरशाद फरमा दी, तो बाद के उम्मतियों का कोई अमल किस तरह हजरत सहाबाए किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अमल तक पहुंच सकता है। हजरत सईद बिन अमर बिन नुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अशरा मुबशरा में शुमार होते हैं, वो फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ला मशहदु रजुलिन मिन्हुम मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़बरु फीहि वजहु खैरुम मिन अमल अहदिकुम उमरहु वलौ उम्मिरा उम्रा नूर। अल्लाह अकबर, सहाबाए किराम का वो एक गजवा एक जिहाद जो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के साथ मिल के किया है, एक गजवे में जो शरीक हुए हैं अल्लाह अकबर, उसके मुकाबले में अगर कोई आदमी सारी उम्र अमल करता रहे और वो उम्र भी उसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र दे दी जाए, अल्लाह ने फरमाया है नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दीन की दावत दी है, गोया 950 साल नहीं 1000 साल तक यूं समझ लीजिए, अगर किसी को उम्र दे दी जाए और 1000 साल तक वो नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, सदका खैरात करता रहे, जिक्र अस्कार करता रहे, नेकी के सारे काम करता रहे,
लेकिन 1000 साल की उम्र के अमल भी उनके एक गजबे के बराबर नहीं हो सकते। ये किसने फरमाया है? अशरा मुबशरा के अजीम शान सहाबी हजरत सईद बिन अमर बिन नुफैल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, बल्कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर जलील कदर सहाबी हैं उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे, वो फरमाते हैं ला तसुब्बु अस्हाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगो मेरे नबी के सहाबा को बुला मत कहो। कहते हैं फला मुकाम अहदहिम साअतन मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुम मिन अमले अहदकुम उमरहु। इब्ने माजा की ये रिवायत है, फरमाते हैं कि अगर तुम सारी उम्र नेकी के अमल करते रहो तो एक घड़ी जो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के साथ गुजारी है, तुम्हारी सारी जिंदगी के आमाल नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की एक घड़ी जो उन्होंने अल्लाह के रसूल के साथ गुजारी है उसके बराबर नहीं हो सकते। ये सहाबा इकराम का खुद अपना तासुर था और लोगों को इस बात से खबरदार करते थे। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने पूछा, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत ये फरमाइए कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हो के माबैन क्या फर्क है, दर्जे और मर्तबे के एतबार से क्या फर्क है? ठीक है, हजरत मुआविया वो सहाबी थे, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज भी बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार, बड़े ही रहम दिल, बल्कि उन्हें खुलफाए राशिदीन में शुमार किया गया है उनके वरा और तकवा की वजह से। ये सवाल किया गया इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से, तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मुआविया अफजल लसना नकीसो बे असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदन, के मुआविया अफजल हैं रजी अल्लाह तआला अन्हो सहाबा के मुकाबले में, हम किसी को कोई कयास नहीं करते। ये मुकाम है सहाबा इकराम का, अल्लाह हमें सहाबा इकराम का मुकाम समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।